यूज ऑफ ओवर, ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपका इंग्लिश की ग्रामर में, और ये बैंक एग्जाम वगैरह में भी आता है सबसे ज्यादा। तो ओवर का यूज करते हैं हम सबसे पहले मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर कोई चीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करती है तो उसके लिए करते हैं, जैसे कम ओवर टू राम हाउस फॉर डिनर समटाइम्स। तो कम ओवर टू मतलब कभी कभी राम, आओ कभी राम के घर पे डिनर के लिए कभी कभी। तो इसमें एक जगह से दूसरी जगह कभी राम के यहाँ कभी यहाँ, तो समटाइम्स के लिए यहाँ पे ओवर आएगा। इसके बाद आप पीरियड ऑफ टाइम मतलब कोई समय के लिए, जैसे आई टॉट इंग्लिश ओवर 10 ईयर्स, तो मतलब यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, एक टाइम पीरियड की बात हो, तो यहाँ पर ओवर यूज करते हैं। आई टॉट इंग्लिश ओवर 10 ईयर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो। मोर देन एक्सपेक्टेड, कोई चीज़ या कोई अमाउंट या कोई नंबर जो आपने मतलब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया उससे ज़्यादा हो, जैसे दिस अमाउंट इज ओवर प्रिडिक्शन, ये अमाउंट आपकी प्रिडिक्शन से भी ज़्यादा है। ओवर मतलब कोई चीज़ एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो, वैसे ही हम कहते हैं ना ओवर क्यों हो रहा है, तो ये वही ओवर है। मूवमेंट डाउनवर्ड, कोई चीज़ जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड गिर गई हो या हो रही हो, उसमें ट्री फेल ओवर एंड ऑन द रोड ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब जो पेड़ था वो नीचे गिर गया, नीचे उसका जो मूवमेंट था वो नीचे हो गया, ऑन द ओवर द रोड ड्यू टू किसकी वजह से, स्टॉर्म की वजह से, आंधी की वजह से, तूफान की वजह से। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ फॉलो मी।